नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी, तो चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS ने निकाली रिक्तियां। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS ने राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के कुल मिलाकर 13,206 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट http://nyks.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। बिहार सरकार 1,00,000 शहरी गरीबों को देगी घर। बिहार में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए सरकार 1,00,000 घर तैयार करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत गरीबों को घर देने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाए जाएंगे। विभाग ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिए 1,00,000 आवास बनाने का फैसला किया है। इसके तहत स्लम एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी। गरीबों को लॉटरी और जरूरत के आधार पर घर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को अब टास्क भी दे दिया गया है कि वे स्लम बस्तियों की पहचान करें और निगम में खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित करें। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के धरातल पर उतरने की संभावना की जा रही है। परिवहन विभाग से जुड़ी 16 सुविधाओं को कर दिया गया है ऑनलाइन। वाहन मालिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्रालय ने इससे जुड़े कई नियमों को आसान कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी परिवहन कार्यालय में जाकर अपने वाहन के कागजातों का काम करा सकेंगे, जिसके तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी परिवहन कार्यालय में जाकर वाहन मालिक का ट्रांसफर, पता बदलना और ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल भी करा सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदनों को ऑनलाइन घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस, RC से संबंधित कागजात की प्रिंटिंग का काम RTO व DTO कार्यालय से ही कराया जाएगा। इसके लिए परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही परिवहन विभाग लाइसेंस की होम डिलीवरी की सुविधा देने वाली है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सिवान के मैरवा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इष्ट देव बाबा हरिराम ब्रह्मा की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। चैत्र रामनवमी पर 1 माह के मेले एवं नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आते हैं। कनकगढ़ के राजा कनक सिंह दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास का आगमन हुआ। तुलसीदास की मुलाकात इष्ट देव हरिराम ब्रह्मा से हुई और जब दोनों दरबार पहुंचे तो तुलसीदास ने कहा कि यह कनक व कंचन की तरह है, यह कंचनपुर मुक्ति धाम बनेगा। कालांतर में यह मुक्ति धाम फिर हरिराम धाम व अब मैरवा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बसंत पंचमी के दिन हो सकता है राजगीर में रोपवे का उद्घाटन। देश दुनिया से राजगीर आने वाले पर्यटकों को बहुत जल्द राजगीर में बने रोपवे का आनंद उठाने का मौका मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बसंत पंचमी के दिन राजगीर में बने अनोखे रोपवे का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके तहत पर्यटन विभाग और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा एक तरफ उद्घाटन समारोह की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य को अंतिम टच दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 19,38,00,000 की लागत से बन रहे इस 8 सीट वाले रोपवे का कई बार ट्रायल हो चुका है। निर्माण कंपनी द्वारा काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके लिए आज फिर से रोपवे के फाइनल ट्रायल का मुआयना किया जाएगा। आपको बता दें कि यह रोपवे CM नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके शुरू होने से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ ही राजस्व में भी फायदा होगा। रांची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट की होगी शुरुआत। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही पटना के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। इस संदर्भ में एयरपोर्ट निदेशक और झारखंड चैंबर के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें ये भी कहा गया कि रांची एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा का विस्तार करने के संबंध में भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची से पटना तक डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा हो जाने से इस रूट के लिए हवाई सफर आसान हो जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे बिहार की धाकर बेटी स्वीटी कुमारी की। बिहार के एक छोटे से प्रखंड बाढ़ के नवादा गांव से निकली स्वीटी कुमारी महज 19 साल की उम्र में एशिया की सर्वश्रेष्ठ रग्बी प्लेयर के रूप में जानी जाती है। स्वीटी भारतीय रग्बी टीम में विंगर की पोजीशन से खेलती है। टीम में स्वीटी को भारत की स्कोरिंग मशीन कहा जाता है। बीते साल ही स्वीटी कुमारी को महिला रग्बी की आधिकारिक वेबसाइट स्क्रम क्वींस ने इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। 20 साल की यह बिहार की बेटी इस अवार्ड को पाने वाली देश की पहली महिला रग्बी खिलाड़ी है। गरीब परिवार से आने वाली स्वीटी ने हर बाधाओं को हराते हुए बिहार के साथ ही देश का भी नाम रोशन किया है।
बिहार से दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों पर ट्रेन की यात्रा आसान होगी। अब बिहार के तीर्थ यात्रियों के लिए दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों तक जाने का सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा कराने के लिए IRCTC स्पेशल सर्किट आस्था ट्रेन चलाने जा रही है। इसके अनुसार मार्च से इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टिकट बुकिंग भी चालू है। आपको बता दें कि यह विशेष आस्था सर्किट ट्रेन 12 मार्च से चलेगी, जिसके दौरान यह रक्सौल से वाया मोकामा होते हुए बिहार से चलेगी, जो तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और पुरी जाएगी। वापसी के दौरान पटना होते हुए रक्सौल वापस लौटेगी। आपको बता दें कि ट्रेन 12 मार्च से रक्सौल से खुलकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर 25 मार्च को वापस बिहार लौटेगी। इस पूरी यात्रा के लिए एक व्यक्ति का किराया 13,230 रुपये तय किया गया है, जिसमें रहना, खाना और घूमने के लिए बस का इंतजाम सहित सभी सुविधाएं मिलेगी। पटना में रोबोट करेगा मैन होल की सफाई। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर अब राजधानी पटना में भी मैन होल की सफाई व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी सफाई रोबोट करेगा। पटना नगर निगम के पास मैन होल की सफाई करने वाली रोबोट मशीन बेंटीकूट आ गई है। यह रोबोट करीब 25 किलो कचरा एक बार में साफ कर सकता है। यह मैन होल के अंदर जाकर स्क्रीन में देखकर नालों की सफाई करेगा। इसमें नाइट विजन कैमरा भी लगा है, जिसके मदद से अंधेरे में भी नाला के भीतर का कचरा स्क्रीन पर दिखेगा। आपको बता दें कि मशीन महज आधे घंटे में एक मैन होल को साफ कर सकती है। पटना नगर निगम से मैनुअल सफाई करने वाले मजदूरों के लिए यह अच्छी पहल है। हर जिले में एक पार्क को बनाया जाएगा ट्रैफिक पार्क। परिवहन विभाग राज्यभर में हर जिले से किसी एक पार्क को ट्रैफिक पार्क के रूप में तैयार करेगी। इसके लिए विभाग प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे बाद में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके अनुसार पार्क में आने वाले लोगों को रोड सेफ्टी और यातायात से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा लोगों को ट्रैफिक नियमों से जुड़े अंडरपास, जेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे फाटक के पास लगे साइन बोर्ड, गाड़ी की स्पीड, ओवरटेक नहीं करने संबंधी कई जानकारियों से भी अवगत कराया जाएगा। फिलहाल पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिले में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। बिहार राज्य भंडार निगम ने गोदामों की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन एक क्लिक पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय भंडार निगम द्वारा अधिकृत एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत गोदामों में खाली जगह की स्थिति, भंडार का रेट और भंडार किए जाने वाले अनाजों की सूची सब ऑनलाइन ही पता लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से किसान भी अपनी उपज को यहां स्टोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पेपरलेस योजना को शुरू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसे ई भंडारण का नाम दिया गया है। वर्तमान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भंडार निगम के पास गोदामों की संख्या 71 है। रिटायर्ड शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होने से पहले देना होगा शपथ पत्र। पिछले दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों से रिटायर्ड शिक्षकों को फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करने का फैसला किया था। फैसले के अनुसार ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षक संविदा पर नियुक्त किया जाना है, मगर विभाग ने अब इसके साथ ही स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों को नियोजित होने से पहले शपथ पत्र देना होगा। इसके तहत उन्हें यह शपथ लेना होगा कि भविष्य में इस नियोजन को लेकर वो कोई अन्य दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे शिक्षकों के काम से संतुष्ट नहीं होने पर विभाग द्वारा एक महीने पहले सूचना देकर और वेतन देकर उनकी संविदा को खत्म कर दिया जाएगा। राज्य में प्रदूषण को खत्म करने के लिए लगाए जाएंगे स्मॉग टावर, बनेंगे साइकिलिंग ट्रैक। पर्यावरण विभाग बहुत जल्द ही पथ निर्माण विभाग और नगर विकास व आवास विभाग से कोऑर्डिनेशन कर शहर के मुख्य सड़कों में साइकिलिंग ट्रैक बनाएगा। इसके अलावा दिल्ली के तर्ज पर प्रदूषण को खत्म करने वाले स्मॉग टावर भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में काम शुरू करने को लेकर पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई सारे फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि विभाग इस साल में 5 करोड़ पौधारोपण की तैयारी कर रहा है। ये पौधे नहरों के किनारे प्रमुख रूप से लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्णिया के लाडूगढ़ जलाशय को विकसित किया जाएगा, जो कि मध्य एशियाई प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। इसके साथ ही सुपौल जिले में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र को विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के 7,500 टोलों को जोड़ा जाएगा मुख्य सड़कों से। ग्रामीण कार्य विभाग ने लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लगभग 7,500 टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया है। मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 9,000 किलोमीटर लंबा ग्रामीण सड़क भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी ग्रामीण सड़कों का जियो टैगिंग भी कराया जाएगा, जिसके तहत सड़क का फोटो और सड़क निर्माण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग गांव से शिकायत मिली थी कि कई टोलों और बसावटों में ग्रामीण सड़कें नहीं बनी हैं और मुख्य सड़कों से भी नहीं जोड़ा गया है, जिसके बाद मोबाइल ऐप से सर्वे और जांच कराया गया, जिसमें विभाग को सड़क कनेक्टिविटी नहीं होने की जानकारी मिली थी।
पंचायत चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बना कॉल सेंटर। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों के लिए शिकायत व सुझाव जानने के लिए कॉल सेंटर बनाया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता अपने पंचायत चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत व सुझाव दे सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए खुद निर्वाचन आयोग इस नंबर पर आने वाली सभी शिकायतों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही उन शिकायतों का समाधान भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पहल से न सिर्फ वोटर्स को बल्कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले करीब 8 लाख से अधिक प्रत्याशियों को भी अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। अब हर महीने देना होगा पानी का बिल, नहीं तो जाएगा कनेक्शन। बिहार की जनता को अब पीने के पानी के लिए पैसे देने होंगे। पंचायती राज विभाग और पीएचईडी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अनुसार नल जल योजना पार्ट 2 में हर महीने प्रति परिवार 30 रुपये वसूले जाएंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद से यह प्रभावी हो जाएगा। अगर कोई समय पर शुल्क जमा नहीं करता है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद 15 दिनों के बाद भी शुल्क नहीं देने पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके साथ ही हर परिवार से जो भी शुल्क वसूला जाएगा उन सभी का ब्यौरा इनके हस्ताक्षर के साथ रजिस्टर में रखा जाएगा। आगामी 17 फरवरी को पटना नगर निगम पेश करेगा बजट। पटना नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को पेश करने पर सहमति बन गई है, जिसके तहत निगम अपना सालाना बजट 17 फरवरी को पेश करेगा। इस बार निगम का बजट आधे से भी कम है। इस बार मात्र 1300 करोड़ रुपए का बजट है, वहीं पिछले वर्ष बजट की राशि 3700 करोड़ रुपए अनुमानित थी। दरअसल इस वर्ष कई योजना को एनओसी लेटर नहीं मिलने के कारण बजट कम करना पड़ गया। आपको बता दें कि बजट में विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ नाली गली के निर्माण, साफ सफाई और कचरा के प्रबंधन पर जोर दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 13 फरवरी साल 1931 में ही आज ही के दिन नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1948 में आज ही के दिन अमरण अनशन शुरू किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉक का शुभारंभ आज ही के दिन किया था। सन 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार आज ही के दिन मिला था। भारतीय टीम ने 2004 में कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आज ही के दिन जीता था। 1949 में पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राकेश शर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1978 में भारतीय अभिनेता अश्मित पटेल का जन्म हुआ था। वहीं आज का दिन इतिहास में सरोजनी नायडू जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सूबे में फिर से बढ़ सकती है ठंड। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में हवा का निम्न दबाव बनने के कारण बिहार के पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज दिन साफ रहेगा, लेकिन 16 से 20 फरवरी के बीच बिजली की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं बीते दिन धूप रहने के बावजूद भी शाम में हवा बहने के कारण ठंड का असर दिख रहा। कोरोना जांच फर्जीवाड़े में डॉक्टर समेत पदाधिकारी हुए सस्पेंड। बिहार में कोरोना जांच को लेकर हुए गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों विपक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एक्शन के मोड में आ गए हैं। जमुई के सिविल सर्जन समेत वहां के कई स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कई अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कुछ कर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु लाल को सस्पेंड कर दिया है। इनके अलावे प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी गाजगिरी है। बरहट और सिकंदरा के प्रभारी को भी निलंबित किया गया है, जबकि 4 अन्य कर्मियों को बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है। लालू यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को। बीते दिन राज्य हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को फिर से टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। बता दें कि कोर्ट में बीते दिन चारा घोटाले से जुड़े दुमका अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी अगली तारीख 19 फरवरी को दी है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।
आठवीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। बिहार सॉफ्टबॉल टीम की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों टीम की घोषणा की जा चुकी है। वहीं बीते दिन आठवीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हो चुका है। इसके लिए बिहार सॉफ्टबॉल क्रिकेट टीम ने खेल आयोजनकर्ताओं का आभार जताया है। बिहार टीम की घोषणा करते हुए एसोसिएशन के सचिव ज्योति कुमार ने बताया कि हमारी टीम मजबूत और संतुलित है और उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि बीते दिन से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 14 फरवरी तक चलेगी। पदभार संभालने के बाद फुल एक्शन में दिखे नितिन नवीन। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मंत्री बनने के बाद से ही एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्री बनने के बाद बीते दिन उन्होंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि बिहार में अब सड़कों के निर्माण में किसी तरह की लेट लतीफी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी एजेंसी मशीनों की संख्या और मानव बल को बढ़ाए और किसी भी स्थिति में पेंडिंग कार्यों को मानसून से पहले पूरा करे। इसके तहत ही विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्तर से प्रतिदिन हर योजना के काम की प्रगति की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार रोड मास्टर प्लान के तहत 20 वर्षीय कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। अपने जनधन खाते को 31 मार्च तक आधार से करा ले लिंक। अगर आपने भी जनधन योजना के तहत खाता खुलवा रखा है मगर आधार से लिंक नहीं करवाया है तो अपने खाते को 31 मार्च तक आधार नंबर से लिंक करा ले, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अब जनधन खाते को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार ने बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लिंक नहीं करवाने पर आप जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा समेत कई सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। वाहन के बाहर सरिया बांस निकाल कर चलना पड़ा महंगा। अक्सर सड़कों पर ऐसी वाहनें देखी गई है जिसके बाहर सरिया और बांस निकले रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे वाहनों के कारण कई बार यात्री सड़क दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। हालांकि अब ऐसे वाहनों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत ऐसे कुल मिलाकर 112 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। मोटरयान अधिनियम 2019 के विभिन्न धाराओं के तहत वाहनों को जब्त और कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, इस पर एक्शन लेते हुए 42 मालवाहक वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं MVI के द्वारा चलाया गया है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरिया, बांस, पाइप, एंगल आदि अन्य सामग्री को माल ढोने वाले वाहन के बाहर निकालकर चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई किए जाने का फैसला पहले ही सुनाया गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शिवम बाबू मौर्य, शिवानी, दिव्यांशु कुमारी, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र पासवान, राकेश कुमार, मोहम्मद आफ्ताब, आशा कुमारी, भाई दंजी पहलवान, संदीप गुप्ता, शशि भूषण, मोहम्मद वासिक, लक्ष्मी कुमार, जितेंद्र पाल, संजीत कुमार यादव। इसके अलावे हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार में शहरी गरीबों को 1,00,000 आवास दिए जाने की योजना गरीबों के लिए कितनी मददगार साबित होगी। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।